News 18, India. देश में इंडी गठबंधन को लेकर सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन अब नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन सकी है। दोनों दल अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच देर रात तक बातचीत का दौर चला है, लेकिन सीटों का पेच सुलझ नहीं सका है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन इसके लिए कांग्रेस तैयार ही नहीं हुई। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 27 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में है, और इसी दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन टूटने की खबर अब सामने आ गई है। अखिलेश यादव ने दो टूक कह दिया है कि गठबंधन फाइनल नहीं हुआ तो वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होने वाले हैं। खबर तो ये भी है कि दोनों दलों के बीच कुछ सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि एक तरफ जहां पर इंडी गठबंधन वैसे ही छिन्न भिन्न अलग अलग राज्यों में हो चुका है, अब उत्तर प्रदेश जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है, यहां पर भी अब खबर ये है सूत्रों के हवाले से कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन नहीं करने वाले हैं। और न्यूज 18 इंडिया के हमारे दो सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अमित हैं और अरुण भी हमारे साथ हैं। पहले अमित, आपके पास आते हुए यहाँ पर ये पहले से ही क्लियर लग रहा था, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव भी इस तरीके से बयान दे रहे थे और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आ रही थी, अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राहें जुदा हैं, यूपी के अंदर तो ये साफ हो चुका है। देखिए, आप जिस तरीके से अखिलेश यादव के पिछले दिनों अगर हम बयान देखें तो जो बयान था उसके बाद अब अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सबसे पहला ट्वीट हुआ था कि गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को 11 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया जा रहा है, उसके बाद 17 लोकसभा सीटों को बीच में फिर अखिलेश यादव ने बयान दिया कि उनके पास जीतने वाले उम्मीदवार कौन कौन से हैं उसका नाम बताएं। लगातार जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता था वो फ्रंट फुट पर आके नाम पूछ रहे थे कि उम्मीदवारों का नाम बता दें कांग्रेस की जो जीतने वाले हों। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो उनका बयान देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास लगातार बना हुआ था। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा था कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो रायबरेली में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे, लखनऊ में भी रहेंगे, लेकिन आज रायबरेली में अखिलेश यादव नहीं रहेंगे, क्योंकि बताया ये जा रहा है, सोर्सेस ये बता रहे हैं कि जो गठबंधन में जो सीट बंटवारों को लेकर जो बातचीत थी, जो अखिलेश यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी थी 17 लोकसभा सीटों को लेकर, तो वहीं कांग्रेस जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से डिमांड की गई थी 2 और सीटों की, वहीं प्रियंका कैंप की तरफ से मुरादाबाद सीट की भी डिमांड की गई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि 17 सीटों से 1 सीट ज्यादा नहीं देंगे, तो पेच यहीं फंसी हुई है और यही वजह है कि जो सोर्सेस बता रहे हैं कि इंडी गठबंधन को बड़ा झटका बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में लगने वाला है, जहां पर कांग्रेस ने ग्रेट होप सॉल्यूशन विल कम सर, 17 सीट्स ऑफर इज एक्सेप्टेबल। भी हमारे साथ मौजूद है, अरुण का हम रुक कर लेते हैं। अरुण, कांग्रेस के लिए दो बड़े झटके यहां से दिखाई देते हैं, एक तो अगर गठबंधन, अभी तो सूत्रों के हवाले से खबर है, अगर औपचारिक ऐलान ये हो जाता है कि गठबंधन नहीं हो रहा, और दूसरा वो न्याय यात्रा जिसमें पूरी ताकत झोंक दी है राहुल गांधी ने, तो अब उत्तर प्रदेश में वो न्याय यात्रा है, गठबंधन नहीं हुआ तो यहां से न्याय यात्रा भी कमजोर हो जाएगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ आपको रोक रहे हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है। पहले दर्शकों को बता दें, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का दावा है, बड़ी खबर सामने आ रही है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, ये उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है, यानी अभी जो टूट की खबर आ रही है उस पर वो मोहर लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी बातचीत चल रही है, हो सकता है कि यहाँ जो सीटों को लेकर पेशकश की गई है उस पर बातचीत बन जाए। ये बड़ा दावा केसी वेणुगोपाल की तरफ से किया गया कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। तो अरुण हमारे सहयोगी कुछ बता रहे थे, अरुण अपनी बात पूरी कीजिए। मैं यही बता रहा था कि केसी वेणुगोपाल ने स्पष्ट कहा है, खबरों को खारिज किया है, गठबंधन टूटा नहीं है, बातचीत चल रही है, हाँ बीच में गतिरोध जरूर है, लेकिन जल्दी ही समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है, जिन सीटों पर कांग्रेस को लड़ना है, जिन पर समाजवादी पार्टी को लड़ना है, वो साफ कर दिया जाएगा और उनकी घोषणा भी कर दी जाएगी। ये बात मैं आपको कह रहा था कि मुरादाबाद और
रामपुर, दो ऐसी सीटें हैं जो 2019 में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। हालांकि रामपुर में बाद में आजम खान डिस्क्वालीफाई हो गए थे, वहां से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट बन गए, लेकिन उन दो सीटों को समाजवादी पार्टी नहीं देने को तैयार है कांग्रेस को। जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रभारी महासचिव है अविनाश पांडे, उन्होंने ताजा डिमांड समाजवादी पार्टी के सामने रखी है मुरादाबाद और रामपुर की, जो समाजवादी पार्टी देने को तैयार नहीं। इसके पहले खड़गे से जो अखिलेश यादव की बातचीत हुई थी, दो नई सीटें मांगी थी उन्होंने, अमरोहा, देवरिया और बहराइच। बहराइच छोड़ के अमरोहा और देवरिया दोनों देने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार होगी, लेकिन संख्या 17 के पास ही रखनी है। यानी समाजवादी पार्टी कहेगी 17 सीटें आपको देंगे, हो सकता है एक दो सीटें आगे पीछे हो जाएं, लेकिन बात फंसी है मुरादाबाद और रामपुर पर। और इसी से नाराज समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव है, उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अगर ये ऐलान हो जाता है तो अभी भी समय है, लखनऊ यात्रा पहुंचेगी, हो सकता है उसके आसपास वो उसमें शामिल हो जाएं, जिसकी घोषणा उन्होंने खुद की थी, लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ है और उसकी वजह से सीटों का ऐलान नहीं हो पा रहा। ठीक है अरुण, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, फिलहाल शुक्रिया आपका। लेकिन इसी बीच और भी बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। एक तरफ केसी वेणुगोपाल का बयान आपने सुना, बड़ा दावा वो कर रहे हैं कि बातचीत वो चल रही है, जरा पहले सुनिए वो क्या कह रहे हैं। दिस डिस्कशन इज गोइंग ऑन, डिस्कशन इज गोइंग ऑन, इट विल बी फाइनलाइज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देयर अदर पार्टीज आल्सो दे आर सेइंग दैट वी आर फाइटिंग अलोन सर, सो इट इज अ ड्रॉबैक समाजवादी पार्टी का ऑफर। ब्रदर वेट फॉर सम टाइम, वी आर ऑन प्रोसेस, आवर अलायंस टीम इज देयर, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड एन टीम ऑफ अलायंस लीडर्स, so they are discussing day by day, they are discussing with everybody. Sir, will Congress there was the solution will come, don't worry, we are in a very, we are in a great hope, solution will come. और उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन में टूट के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडी गठबंधन पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लखनऊ जाने के सवाल पर ये कहा कि इंडी गठबंधन खत्म हो चुका है, वो कहीं भी चले जाएं कुछ काम नहीं आने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये बहुत बड़ा हमला किया गया इंडी गठबंधन पर। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में अब बात नहीं बन पाई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। राजनाथ सिंह ने यह कह दिया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लखनऊ जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन खत्म हो चुका है, कहीं पर भी क्यों ना चले जाएं कुछ काम नहीं आने वाला। राहुल गांधी भी लखनऊ आ रहे हैं, अभी फिलहाल सुल्तानपुर कोर्ट में हुआ है, अब वो भी लखनऊ आ रहे हैं। नहीं, लखनऊ जो भी आया सभी का स्वागत है, जिस तरीके से अदब और तहजीब तो यहाँ की बड़ी पुरानी परंपरा है। इंडी गठबंधन में जिस तरीके से फूट है सर, अखिलेश यादव भी सोच रहे हैं कि जाऊं कि ना जाऊं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। नहीं नहीं, इंडी गठबंधन पर रहा ही कहां, पूरी तरह से बिखर चुका है और जनता सचमुच इंडी गठबंधन को लेकर बेहद निराश है, बेहद निराश है। 2024 में 80 में से कितनी बीजेपी को सर उत्तर प्रदेश? इस समय सारे देश भर में आम जनता का मोदी जी के नेतृत्व के प्रति एक गहरा विश्वास है और लोग ये मानते हैं कि इस देश को यदि विकसित देश यदि कोई बना सकता है, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में यदि कोई खड़ा कर सकता है, तो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ही खड़ा कर सकते हैं। हमारे दोनों सहयोगी अमित और अरुण